वेलकम गाइस, डेट की वीडियो में आपका स्वागत है। कोरोना लॉकडाउन 8वां दिन, सुबह के करीब कितना बजा है, 10:30 बज चुके हैं। मैं उठ गया हूँ और बढ़ते हैं आगे आज के ब्लॉग में। तो दिन की शुरुआत जब चाय के साथ हो तो बात ही कुछ अलग हो जाती है, और जब खाने को चाय के जस्ट बाद नाश्ता में मुझे चना और चूड़ा मिल जाए तो यार मज़ा आ जाता है। मतलब ज़बरदस्त, मेरा दोनों फेवरेट नाश्ता और चाय आज मुझे मिल चुका है। ओके गाइस, तो आज 8वां दिन है हमारा लॉकडाउन का। ओवरऑल दिन अच्छा गया है। अब आप सोच रहे होगे यार दिन अच्छा कैसे चला गया, अभी तो मुझे गार्डन में जाना है, पेड़ लगाना है। तो ऐसा कुछ नहीं है आज, क्योंकि अभी शाम हो चुकी है। मैं पूरे दिन सो रहा था, आंख देखो लग रहा होगा मैं अभी भी नींद में हूँ। तो मुझे थोड़ी खांसी थी कुछ दिनों से। मैंने कल रात को जो है सिरप, ये देखो ये है सिरप, इसकी आधे बोतल से थोड़े से कम की वॉल्यूम बची हुई थी, वो मैं पूरा पी गया था। ठीक है, इसके बाद ऐसा नींद आया कि मैं सुबह उठा, चाय पिया, वो क्लिप शूट किया चाय पीने वाला, फिर नाश्ता खाया, वो नाश्ता खाने वाली भी हल्की सी क्लिप शूट की। देन जो है मैं मतलब नाश्ता चाय पी के सो गया, फिर उठा नाश्ता खाया, नाश्ता खा के सो गया, फिर उठा दोपहर का खाना खाया, वो भी खा के मैं सो गया, और सीधा शाम में 5:30 बजे मैं उठा। तो यार बहुत ख़तरनाक दवा थी, और ऐसे मतलब खांसी वाली दवाओं को मैं फ्यूचर में इतना ज़्यादा डोज नहीं लूँगा, क्योंकि आज पूरा दिन वेस्ट हो गया। आज हम लोग कुछ भी नहीं कर पाए, मैं आपको बाहर भी कुछ नहीं दिखा सकता हूँ, बस एक वीडियो शूट करने वाला हूँ वो दिखाता हूँ। वीडियो टॉपिक ये है कि एयरटेल के सिम के अंदर आप फ्री में इंटरनेट कैसे यूज़ कर सकते हो up to 15 GB, यानी 15 GB तक। तो जितने भी एयरटेल के यूज़र हैं, अगर उन्होंने विंक म्यूजिक ऐप और एयरटेल का माई एयरटेल, या फिर बोल लो एयरटेल गिफ्ट ऐप, उसको डाउनलोड किया है कभी भी, तो उनको ऑफर नहीं मिलेगा। आप न्यू हो, उसको डाउनलोड करो, उस पर ID लॉगिन करो अपनी, क्रिएट करो, साइन अप करो, जो बोल लो, उसके बाद आपको up to 15 GB तक डेटा मिलेगा। मिनिमम 2 GB तो मिलेगा, मैक्सिमम 15 GB मिलेगा। तो उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो जो है शूट करना है, तो देखते हैं कैसा रहता है, जल्दी से शूट कर लेते हैं। और हाँ, एक और बात, Note 9 Pro सेल हो गया 12,500 में। 13,000 का फ़ोन था, उसकी जितनी भी वीडियो शूट करनी थी वो मैं कर चुका। आज बायर मेरा दोस्त ही है, वो आके शाम में थोड़ी देर पहले फ़ोन ले गया, तो अब फ़ोन जो है मेरे पास नहीं है। तो Note 9 Pro की कहानी ख़त्म हो गई। अब देखते हैं अगला फ़ोन हम लोग कौन सा परचेस करते हैं। अब लॉकडाउन के बाद ही कोई नया फ़ोन आएगा, तो आई होप सो कि अगला Poco X2 हो, मे भी देखते हैं क्या होता है। सो गाइज, यहीं पे शूट होने वाला है। शूटिंग डिवाइस Redmi Note 8 Pro है, फ़ोन वहाँ रखा हुआ है, इसी पे शूट करूँगा जल्दी से, और टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन करके वीडियो को हम पब्लिश कर देंगे। सो गाइज, वीडियो जो है वो पब्लिश हो चुकी है, यहाँ पे आप देख सकते हो। इस पर अब तक में 1,160 व्यूज़ भी आ चुके हैं, बट द ग्राउंड रियलिटी इज़ कि लोग इसको पूरा एंड तक देख नहीं रहे। मैंने बहुत छोटी वीडियो बनाई थी, जस्ट 2 मिनट 40 सेकंड की, लेकिन एवरेज वॉच टाइम इस पर सिर्फ 1 मिनट का आ रहा है, क्योंकि लोगों को पता चल जा रहा है करना क्या है, तो फिर वो पूरी वीडियो देखते नहीं है, वो भाग जाते हैं। और यहाँ पर जो है अब तक हमें 80 लाइक मिल चुके हैं, 79 है, और 13 डिसलाइक मिला है। ये डिसलाइक वाले शायद वो लोग हैं जिनको ऑलरेडी ये ऑफ़र मिल चुका है। यहाँ पे एक भाई ने कमेंट किया है कि इनको मिल गया है, और कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि नहीं मिला है, यही सब सीन है, देखते हैं। हालांकि कमेंट तो और आने चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि उनको मिला कि नहीं मिला। अभी वीडियो पब्लिश किए हुए 3 घंटा 52 मिनट हो चुका है। ओके गाइस, तो रात के बज चुके हैं तकरीबन 11:42, व्लॉग यहीं पे अब ख़त्म हो रहा है। और आज ज़्यादा कुछ तो मैंने दिखाया नहीं, व्लॉग क्या रहा आज, मतलब कुछ भी जो है काम धंधा हुआ नहीं। कल से हम अपनी नई वेबसाइट पे भी काम करेंगे, जो कि है, URL मैं अभी नहीं बताऊँगा, आपको दिखाऊँगा सब कुछ, बट URL फिलहाल नहीं बताऊँगा। तो देखते हैं कि आज कोरोना के केस इंडिया में कितने पहुँच गए हैं, क्योंकि दिन भर तो मैं दुनिया से डिस्कनेक्ट था, तो मुझे कुछ पता नहीं है। ओ भाई साहब, कल मैंने 32 बताया था, आज केस टोटल 45 हो गए हैं। यहाँ पे कुछ केसेस बढ़े हैं और टोटल जो है अभी 45 हो गए हैं, जिसमें से 10 जो है केस डेथ वाले वो शायद आज के हैं। 10 आज मतलब 24 घंटा के अंदर के हैं, 10 वो एकदम न्यू हैं। और टोटल जो अगर केस की बात करो ऐसे ऑल एन एवरेज केस की,
तो अभी तक में हिंदुस्तान में 1834 लोग जो है मिल चुके हैं कोरोना पॉजिटिव, जिसमें से 437 लोगों की भाई सब डेथ नहीं हाँ 437 लोगों की डेथ हो चुकी है। बड़े अफसोस की बात है यार। सरकार कह रही है हमसे कि घर में रहो, लेकिन लोग घर में रहने के लिए मानते नहीं है। कल जब मैं मार्केट गया था तो मैंने देखा था लोग किस तरह मार्केट में घूम रहे थे। फिर ऐसे में पुलिस मारती है तो फिर कहते हैं भाई पुलिस मार क्यों रहे हो, अरे तो तुम रोड पे क्यों घूम रहे हो। इस चक्कर में जो लोग सब्जी लेने जा रहे हैं, चावल दाल लेने जा रहे हैं, उनको भी पुलिस गलत समझ के पीट दे रही है। तो ऐसे में यार घर पे ही रहो, जितना ज्यादा हम लोग घर पे रहेंगे लॉकडाउन उतना जल्दी खत्म हो जाएगा। अगर चीजें 21 दिन से पहले ठीक हो गई तो लॉकडाउन जल्दी खत्म हो जाएगा, क्यों रहेगा फिर लॉकडाउन। लेकिन लोग समझ नहीं रहे हैं, लोग ठीक तरीके से कर नहीं रहे हैं और इसका खामियाजा जो है और भी लोग भुगत रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डेली बेसिस पे काम करने वाले हैं, उन तक खाने पीने का सामान सरकार भी पहुंचा रही है, एरिया के लोग भी पहुंचा रहे हैं। तो मदद तो खैर पूरी तरीके से हो रही है सबके तरफ से, बस बीमारी का इलाज नहीं मिल रहा है यार। इलाज मिल जाता तो सब कुछ खत्म हो जाता फिर। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे कल अगली वीडियो में। और मुझे अभी भी नींद आ रही है तो मैं फिर जा रहा हूँ सी सोने के लिए। ये सिरप मैं अब नहीं खाऊंगा भाई, ये सिरप नहीं खाऊंगा। इसका नाम था टॉरेक्स और मेरी भी गलती है, एक चमची खाना चाहिए था, मैंने 4 चमची लगभग खा लिया, तो गलती तो मेरी ही है पूरी तरीके से। और उसके बाद जो नींद आया भाई साहब, मैं लगभग 13 घंटा सोया हूँ। हाँ, ऑल एन एवरेज 13 से 14 घंटा मैं लगभग सोया हूँ और अभी भी स्टिल नींद आ रहा है। अगर अभी मैं लेट जाऊँ तो फिर मुझे नींद आ जाए, ऐसा हो गया है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।